बता दें, कोटा से छात्रा के अपहरण के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। छात्रा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जयपुर दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर छात्रा इस फुटेज में नजर आ रही है। 18 मार्च को रेलवे स्टेशन पर घूमती नजर आई थी छात्रा। 17 मार्च को अपहरण की बात सामने आई थी। अपहरण के दौरान बंधी हुई दिख रही थी लड़की, जो तस्वीर सामने आई थी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली है ये छात्रा। तो एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें जो छात्रा है वो बहुत ही आराम से घूमती हुई नजर आ रही है रेलवे स्टेशन के आसपास। उसके साथ जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि दो लड़के भी हैं। और एक दिन पहले की अपहरण की बात कही गई थी कि एक दिन पहले 17 को अपहरण हुआ है। 18 मार्च को रेलवे स्टेशन पर घूमती नजर आई छात्रा। फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि शुरुआत से जिस तरीके से इस मामले में देखा जा रहा था, कई मामलों को लेकर सवाल भी पुलिस ने खड़े किए थे कि जो अभिभावकों ने जो इंस्टीट्यूट का एड्रेस दिया था कि यहाँ से उनकी बेटी कोचिंग ले रही थी, वहां पर छात्रा का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। अभिभावकों ने जो एड्रेस बताया था कि छात्रा यहाँ पर रह रही थी, उस जगह पर भी छात्रा के रहने के कोई सबूत पुलिस को नहीं मिले थे। बहरहाल इन मामलों पर तो पुलिस फोकस कर ही रही थी। अब एक ये वीडियो सामने आया है। इस मामले में आपको ये भी बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जो इस मामले को देख रहे हैं पुलिस अधिकारियों से बातचीत की थी और मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की बात की थी। बच्चे के पिता को, छात्रा के पिता को भरोसा ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से दिया गया था कि जल्द से जल्द उनकी बच्ची सकुशल बरामद कर ली जाएगी। लेकिन अब एक वीडियो, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसके आधार पर पुलिस अब हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और घर वालों से भी पूछताछ की जा रही है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मुबारक खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुबारक, अब इस जो सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, इससे कहीं ना कहीं कुछ और सवाल खड़े हो जाते हैं इस मामले को लेकर। संशय तो शुरू से ही कुछ और बातों को लेकर बना हुआ था। जी बिल्कुल, देखिए अब सीसीटीवी फुटेज आया है क्योंकि 17 तारीख को इस छात्रा का जो है वो अपहरण हुआ और उसके बाद जो है 18 तारीख का ये सीसीटीवी फुटेज जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है, जिसमें दो संदिग्ध लोगों के साथ ये छात्रा दिखाई दे रही है। ऐसे में अब पुलिस की जो टीमें दूसरे राज्यों में जो गई हुई थी, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान की जो टीमें पुलिस की काम कर रही थी, अब वो कहीं ना कहीं राजधानी जयपुर की पुलिस भी अब उसमें इन्वॉल्व हो गई है। और हम ये कह सकते हैं कि छात्रा का जब 17 तारीख को जब अपहरण किया गया तो उसके बाद से ये दोनों लोगों के साथ ये जो सीसीटीवी दिखाई दे रही है इनके साथ है। और ऐसे में जब 18 तारीख का सीसीटीवी फुटेज है और अब जब दो दिन बीत चुके हैं तो ऐसे में ये किस जगह जा सकती है, ये लोग कौन है, और इन तमाम चीजों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है पुलिस अब तफ्तीश को जो है आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। जी जी, मुबारक, के घर वालों से बात हुई है इस मामले को लेकर, क्योंकि अब 17 को लड़की का अपहरण हुआ था, 18 तारीख की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें छात्रा बहुत आराम से दो लड़कों के साथ आगे टहलती हुई नजर आ रही है। आप पुलिस के बड़े अधिकारियों से या फिर कोई बातचीत हुई हो आपकी? जी देखिए, ये शिवपुरी की रहने वाली है तो ऐसे में जब ये जो छात्रा है इसके साथ इसके परिजनों से जब बातचीत की गई मीडिया ने, तो उस दौरान इसके पिता ने कहा कि ये जो घटना है इसके साथ पहले भी जो है वो हो चुकी है, तो ऐसे में परिजनों ने इसे जो है कोटा भेज दिया। कोटा भेजने के बाद भी ये वापस, इनको शक है परिवार को कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इससे पहले भी इस तरह की घटना को जो है वो अंजाम दिया था। ऐसे में पुलिस उन लोगों की भी तफ्तीश कर रही जो कि पहले इस घटना से जुड़े हुए थे, वो लोग कौन थे, अब राजस्थान में आकर कोटा आकर इस तरह की घटना को जब अंजाम दिया है, क्योंकि अब सीसीटीवी फुटेज मिल चुका है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस की जांच अब तेज गति से जो है वो आगे बढ़ेगी इस मामले में। मुबारक, हालांकि अभी जांच का विषय है, जांच पुलिस कर रही है, लेकिन जिस तरीके से छात्रा इन तस्वीरों में नजर आ रही है और एक दिन पहले की जो फोटो दिखाई जा रही थी जिसमें छात्रा के हाथ पैर बंधे हुए थे, ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है, क्योंकि ऐसे मामलों में कई बार ये भी देखा जाता है बहुत से मामलों में कि आपस में दोस्त ही इस तरीके की प्लानिंग करते हैं और घर वालों से फिरौती की रकम वो अच्छी खासी मांगते हैं, ऐसे भी बहुत से मामले सामने आए हैं। बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा, क्योंकि पहले भी ऐसी घटना हुई और अब फिर से जब ऐसी घटना को दोहराया जाता है और उसी के साथ साथ जब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें छात्रा बिल्कुल साधारण तरीके से चलती हुई दिखाई दे रही, अपहरण जैसा प्राथमिक अगर कोई इसे वीडियो को देखेगा तो साफ तौर पर ये दिखाई देगा कि अपहरण जैसा, हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपहरण हुआ या नहीं हुआ, लेकिन तस्वीरों में जो चीजें दिखाई दे रही उससे साफ तौर पर ये लग रहा है कि ये अपहरण की तरह का कुछ है नहीं, या तो आपसी समझौते के साथ ये चीजें हुई है या फिर अपराधियों ने डरा धमका कर इसे लेके जा रहे हैं, या जो भी है, ये तमाम चीजें जो है वो पुलिस
बहुत जल्द इस पूरे मामले का जो है वो खुलासा करेगी। लगातार पुलिस की टीमें अलग अलग इलाकों में जो है वो दबिश दे रही है इस मामले को लेकर। बिल्कुल मुबारक, हम बार बार यही कह रहे हैं कि अभी जांच इस मामले में हो रही है, पुलिस से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ये तस्वीरें जरूर सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि जो हाव भाव है जिस तरीके से चलती नजर आ रही है छात्रा, लग नहीं रही है, क्योंकि एक दिन पहले की जो तस्वीरें थी जिसमें छात्रा के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे और जिन तस्वीरों को देखकर छात्रा के माता पिता का रो रोकर बुरा हाल था कि उनकी बेटी का किडनैप हो गया है और अधिकारियों से गुहार माता पिता लगा रहे थे। साथ ही इस पूरे मामले में आपको ये भी बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस मामले को जो देख रहे हैं, जो जांच अधिकारी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनको फोन किया था और ये भरोसा छात्रा के पिता को दिया था कि उनकी बेटी सकुशल जल्द ही बरामद कर ली जाएगी। तो अभी पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। शिवपुरी की रहने वाली ये छात्रा है, आपको बता दें 18 जून का ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया है और उससे पहले आपको ये भी बता दें, अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि अपहरण के एक दिन बाद आके घूमती हुई कैसे नजर आ सकती है छात्रा। 17 जून की अपहरण की खबर थी जो सामने आई थी, 18 जून का सीसीटीवी वीडियो सामने नजर आ रहा है जिसमें छात्रा दो लड़कों के साथ रेलवे स्टेशन के आसपास दिख रही है और जो अपहरण की तस्वीरें जो सामने आई थी उसमें छात्रा के हाथ पैर बंधे हुए थे। तो सवाल यही कि अपहरण की जो एक दिन की पहली तस्वीर थी और ये जो दूसरी तस्वीर है, आखिर अपहरण के एक दिन बाद कैसे इस तरीके से घूमती नजर आ सकती है छात्रा। बहरहाल अभी जांच इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है, हर पहलू पर पुलिस जांच कर रही है, परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है। तो कोटा किडनैपिंग कांड जिसमें अब एक नया मोड़ आ गया है, जयपुर दुर्गापुर रेलवे स्टेशन की ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं।